यह चीता तेज गर्मी से परेशान है। वह पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन पानी में मगरमच्छ का खतरा भी हो सकता है। लेकिन चीते को पानी पीने के लिए इस बहते हुए पानी के पास आना ही पड़ेगा। एक चीता चौकन्ना होकर पानी के अंदर आ जाता है और तेजी से नदी पार कर जाता है। दूसरा चीता पानी पीने के लिए चौकन्ना होकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन एक मगरमच्छ पानी में इसका इंतजार कर रहा है, जो चीते को देखकर पानी के अंदर छुप जाता है और किसी पनडुब्बी की तरह पानी में डूब जाता है। चीते की आंखें भी बहुत तेज होती हैं, लेकिन मगरमच्छ पानी में रहता है तो पानी में इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता और वह चीते को अपने मजबूत जबड़े में दबोच लेता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। वार्टहॉग जंगल में पड़ने वाली गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं और ये पानी के पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये तेज गर्मी के कारण प्यास से बेहाल हुए जा रहे हैं। जंगली वार्टहॉग आमतौर पर कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन पानी में मगरमच्छ का खतरा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई और नज़र बनाए हुए है जो इसे अपना शिकार बना सकता है। ये है एक शेरनी। शेरनी दबे पांव अपने शिकार की तरफ बढ़ती है और वार्टहॉग को धीरे धीरे पास आते खतरे का पता नहीं है। शेरनी अकेली नहीं है, इसकी मदद करने के लिए नर शेर भी हैं। ऊंची घास में छिपकर शेर वार्टहॉग को घेर लेते हैं। पास आते ही तेजी से हमला होता है और वार्टहॉग अपनी जान का खतरा देखकर बहुत तेजी से भागते हैं। वार्टहॉग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं और ये शेरों के झुंड को पीछे छोड़ देते हैं और शेरों के झुंड से शिकार निकल जाता है। लेकिन वार्टहॉग की मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं होती है। वार्टहॉग ने भले ही शेर को दौड़ने में पछाड़ दिया हो, लेकिन धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता से इनका बचना मुश्किल लग रहा है। चीता शून्य से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं और तेजी से भागते हुए ही 50 डिग्री के कोण पर अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। वार्टहॉग के सामने निकले हुए तेज दांत भी चीते की जान ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार दो चीता इसे अपना शिकार बना ही लेते हैं। हाथी और गैंडा दो ऐसे जानवर हैं जिन्हें शेर भी अपना शिकार बनाने से दूर ही रहता है, लेकिन जब इनमें आपस में लड़ाई होती है तो यह एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हैं। गैंडा पहले तो हाथी को अपने सींग से डराने की कोशिश करता है, हाथी भी उसे पीछे की ओर धकेलता है और अपने बड़े शरीर का फायदा हाथी को मिलता है। वह इस गैंडे पर भारी पड़ता है और गैंडा वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। जंगली कुत्ते जब झुंड में होते हैं तो ये अपने से बड़े जानवर को भी मार डालते हैं। यह जंगली भैंसों के झुंड पर रणनीति बनाकर हमला करते हैं और बारी बारी से जंगली भैंसे का पीछा करते हैं। जब दो कुत्ते थक जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे कुत्ते ले लेते हैं, जिससे शिकार हाथ से न निकल जाए। ऐसा करके वह काफ़ी दूर तक अपने शिकार का पीछा करते हैं, जिससे इनका शिकार भागते भागते थक जाता है और आखिर में ये उसे अपना शिकार बना ही लेते हैं।